सभी विपक्षी दलों ने उस पर हस्ताक्षर किया था सिवाय जनता दल यूनाइटेड के, तो ये भी खबर हो रही थी। नमस्कार, आप न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि राबड़ी आवास के भीतर जो है सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। अभी हम हैं राबड़ी आवास के बाहर और यहां की तस्वीर हम आपको एक बार दिखा दें, जहां आप देखिए किस तरह से बाहर में जो पुलिस प्रशासन है वह तो तैनात है ही, लेकिन अंदर में सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और जाँच चल रही है। यह मामला बहुत पुराना है। बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान जमीन लेकर नौकरी देने का जो है वह घोटाला का आरोप लालू प्रसाद यादव पर है और इसको लेकर के लगातार सीबीआई और ईडी की जो छापेमारी है वह चल रही है। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम जो है वह पहुंची हुई थी। एक बार फिर से राबड़ी आवास पहुंची हुई है और अभी हम हैं राबड़ी आवास के बाहर। यहां की तस्वीर देखिए किस तरह से सन्नाटा है। बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा पहुंचे हुए हैं और उनके घर पर जो है छापेमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ी खबर है राजधानी पटना की, जहां बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर में एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। बता दें कि इन दिनों लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है, वह में नहीं मौजूद हैं, दिल्ली हैं अपने सेहत को लेकर के। बता दें कि इस लालू प्रसाद यादव के अनुपस्थिति में जो है वह सीबीआई की टीम एक बार फिर से पहुंची है। इससे पहले भी पहुंची हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार से जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, तो क्या परिस्थिति बिहार की बदल गई है? क्या बिहार की स्थिति जो है वह उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? लगातार तेजस्वी यादव जो है इस बात की भी चर्चा करते रहे मीडिया के सामने कि जो बीजेपी वाले हैं वह सीबीआई और ईडी की धमकी देते हैं, मैं इस धमकी से डरने वाला नहीं हूं। फिलहाल में बीते दिन भी न्यूज़ फाउंडेशन से बात करते हुए राबड़ी देवी ने भी यही बात कहा था और उन्होंने साफ तौर से बताया था कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न लालू प्रसाद यादव डरने वाले हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से जो है बीजेपी डरती है, नरेंद्र मोदी खासतौर से डरते हैं। यही कारण है कि वो डर से जो है वह सीबीआई की और ईडी का जो है छापेमारी कराना चाहते हैं। मैं इन चीज़ों से नहीं डरने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि यह बड़ी खबर है। बता दें कि जिस तरह से एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए थे और राजद के साथ गठबंधन में आए और साथ घटक दल मिलकर के नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी एक जो है वह यह सवाल उत्पन्न कर रहा है यहाँ। और बता दें कि लगातार इस तरह से जो है राजद के कई नेताओं पर जो है सीबीआई और ईडी की छापेमारी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं यह चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, तमाम जो राजद के नेता हैं वह बिहार विधानसभा में हैं और राबड़ी देवी जो है अभी उनकी भी जो है विधान परिषद के समय की जाने को हो गया है, लेकिन ऐसे में जब सीबीआई टीम अंदर में पहुंची है, तो जाहिर सी बात है कि कैसे लोग बाहर निकल सकेंगे। लेकिन क्या कुछ अभी बातें हो रही है, क्या कुछ है अब तक के, क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या जांच में निकला, अभी तक के कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे, जरूर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी, पल पल की खबर जो है न्यूज़ फाउंडेशन आपको बताता रहेगा कि सीबीआई की टीम अगर राबड़ी आवास पहुंची है तो किन कारणों से पहुंची हुई है, और अगर जमीन देकर के नौकरी देने का जो घोटाला मामला है, तो क्या इसमें कुछ जानकारी हासिल हुई है। तो कई तरीके का जो भी सवाल आप लोगों के मन में भी जो उठ रहा होगा, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। अब तक के हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।